हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर सहा, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 में पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 में न्यूमेरिकल का ये मेरा तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग अभी पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित मोस्ट VVI न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला फॉर्मूला है BH इक्वल टू B cos थीटा, जिसको पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक कहते हैं। दूसरा है BB इक्वल टू B sin थीटा, जिसको पृथ्वी के चुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तीसरा है B इक्वल टू रूट अंदर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, जिसको संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व का। आगे है थीटा, जिसको नमन कोण या नति कोण कहते हैं, इक्वल टू होता है टेन इनवर्स BV बटे BH। ठीक है, यानी क्षैतिज घटक बोलेगा तो BH B cos थीटा लगाएंगे, ऊर्ध्वाधर घटक बोलेगा तो BV बराबर B sin थीटा लगाएंगे। ठीक, टोटल चुंबकीय क्षेत्र B बोलेगा तो रूट अंदर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर लगाएंगे, नमन कोण नति कोण बोलेगा तो टेन इनवर्स BV बटे BH लगाएंगे। ये चारों फॉर्मूला को अभी हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चारों फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए, समझने के लिए आपको एक छोटा मोटा फिगर का जरूरत पड़ेगा, जो आपको बनाना है। ठीक है, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तब वीडियो देखकर फायदा होगा, नहीं तो फिर क्या होगा। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं तो टाइम लॉस कर रहे हैं कि नहीं, तो टाइम जो खर्च कर रहे हैं तो उससे पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इधर लिखेंगे बी एच, ये एक वर्टिकल लाइन है, इधर लिखेंगे बी पी, ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जिसका नाम क्या होता है बी, ये एंगल है नमन कोण नति कोण। ठीक है, थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको, वाई लिख दीजिए, इधर एक्स लिख दीजिए, इसके पैरेलल में इधर लंब डालना है। ठीक, तो ये वैल्यू कितना होगा, बी भी होगा, इसके पैरेलल में इधर लंब डालना है तो ये वैल्यू कितना होगा, बी एच होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये ओ नाम दे दीजिए, ये नाम दे दीजिए पी, ये नाम दे दीजिए एम, ये नाम दे दीजिए एन। आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, एक ये और एक ये। ठीक है, मतलब एक ओ पी एम और एक ओ पी एन, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के इक्वल है। ये थीटा है, ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, नमन कोण नति कोण के सामने वाला भुजा लंब या आधार, ये कर्व, ये क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ये संपूर्ण घटक, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उसी तरह ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा कोण के सामने वाला लंब या आधार, ये कर्व, ये क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है, नमन कोण नति कोण है। तो आप किसी भी त्रिभुज को पकड़िए, ओ पी एम या तो ओ पी एन को पकड़ना है, हम पकड़ते हैं ओ पी एम को, आप पकड़िएगा ओ पी एन को। ठीक है, जिसको पकड़िए दोनों में सेम बात होगा, यानी त्रिभुज ओ पी एम में हम लगाते हैं मान के चलिए कॉस थीटा, तो ओ पी एम में कॉस लगाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है। ठीक, तो बी एच बटे बी, तो बी एच कितना निकलेगा, बी कॉस थीटा, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसको बोलेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। ठीक है, एवं उसी त्रिभुज में साइन थीटा लगाइए, इस त्रिभुज में क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी बी भी बटे बी। ठीक है, तो बी भी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, होगा ना, बिल्कुल होगा, प्रूव्ड हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक। दो फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, इसको समीकरण एक दे दीजिएगा, इसको समीकरण दो दे दीजिए, ठीक। अब दोनों समीकरण का यूज करेंगे, देखिए आगे तीसरा फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, दो फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत आसान है, बहुत आसान, जब हम बी एच को निकालेंगे तो आधार को ये मतलब आधार को निकालने के लिए कॉस लेते हैं, तो जैसे ही बी एच निकालिएगा तो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और आप लंब को निकालना चाह रहे हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को निकालना चाह रहे हैं, बी भी को निकालना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, लंब, लंब में क्या लगता है, साइन लगता है, तो बी भी बराबर बी साइन थीटा, बहुत ईजी है। बी एच आधार में है तो कॉस लगेगा, बी कॉस थीटा, बी भी लंब में है तो साइन लगेगा, बी साइन थीटा, ठीक है। चलिए तीसरा फॉर्मूला पर देखिए, तीसरा है बी इक्वल टू रूट अंदर बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, ये फॉर्मूला को प्रूव करना है तीसरा में, ठीक है। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, एकदम आसान से प्रूव करेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा, बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, समीकरण एक ले लीजिए, एवं बी भी इक्वल टू बी साइन थीटा, समीकरण दो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलता है ये फॉर्मूला प्रूव कैसे होगा, ये फॉर्मूला प्रूव कैसे होगा, तो समीकरण एक और दो को वर्ग यानी स्क्वायर करके जोड़ना है, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यानी समीकरण एक का स्क्वायर करना है और दो का भी स्क्वायर करना है और जोड़ देना है, ठीक है। समीकरण एक का स्क्वायर प्लस समीकरण दो का स्क्वायर, ठीक है, ये काम आपको करना है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, बी एच स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी भी का बी भी स्क्वायर, बराबर दे दीजिए। इधर क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना, दोनों बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू वन, मतलब बी स्क्वायर, यानी बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, हमको तो बी चाहिए, तो रूट लग जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, प्रूव हो गया। तीसरा फॉर्मूला हम लोग का प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा फॉर्मूला भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया, अब चलेंगे चौथा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए आप चौथा में क्या है, नमन कोण या नति कोण थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी भी बाय बी एच, यही ना है, बिल्कुल यही है, प्रूफ करना है इसको। देखिए कैसे प्रूफ होगा, तो बी भी बटे बी एच निकालिए तो अपने आ जाएगा बी भी बटे बी एच, तो बी भी क्या था, बी साइन थीटा, बी एच क्या था, बी कॉस थीटा, बी बी कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, हमको क्या चाहिए, थीटा, टेन आएगा इधर, टेन इनवर्स बी भी बटे बी एच, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत का तो बात ही नहीं, दिक्कत तो दिखाई दे ही नहीं रहा, हो गया सब प्रूव्ड। एक बार सब फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक है। देखिए पहला है पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, पृथ्वी के चुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक बी भी इक्वल टू बी साइन थीटा, पृथ्वी के चुंबकत्व का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र
v इक्वल टू रूट अंदर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। चौथा है नमन कोण या नति कोण थीटा इक्वल, इसको डेल्टा भी यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी यूज कीजिए, एन इनवर्स बी वी बटे बी एच। ये हो गया क्षैतिज घटक मतलब ओरिएंटल पार्ट, ये ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वर्टिकल पार्ट, ये संपूर्ण घटक मतलब संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र टोटल, ये हो गया नमन कोण नति कोण। चलिए काम खत्म हो गया, अब बनाएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर एक देखिए क्या बोलता है, न्यूमेरिकल नंबर एक बोलता है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण 45 डिग्री है, ऊर्ध्वाधर घटक तथा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर सवाल क्या बोला है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक यानी बी एच कितना दिया है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वह टेस्ला होता है, या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या तो न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, तीनों बराबर चीज है, ठीक है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर भी होता है। चलिए उसके बाद नति कोण मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री, तो निकालने बोला ऊर्ध्वाधर घटक मतलब बी भी, और क्या बोला है संपूर्ण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी, दो चीज निकालना है तो दो पार्ट कर दीजिए, पहले बी भी निकालते हैं, तो बी भी कैसे निकलेगा जरा सोच के देखिए, आपके पास बी एच है, थीटा है और बी भी है, मतलब बी भी निकालना है, तो तीनों से रिलेटेड क्या फॉर्मूला लगेगा देखिए, टेन थीटा बराबर होता है बी भी बटे बी एच, होता है ना, बिल्कुल होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, ये लंब में होता है ये आधार में होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए टेन के डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू बी भी, तो निकालना है बी एच दिया है कितना 0.3 × 10⁻⁴, ठीक, टेन 45 कितना होता है एक होता है एक, इक्वल टू बी भी बटे 0.3 × 10⁻⁴, ठीक है, तो यहां से तो आराम से निकल गया बी भी, ये गुना करेंगे एक से तो उतने होगा क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, आंसर एक आंसर आ गया, यानी आपको ये बात जान लेना है कि यदि एंगल 45 डिग्री है तो जो क्षैतिज घटक का वैल्यू होगा वही ऊर्ध्वाधर घटक का वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि इसमें होता है कॉस इसमें होता है साइन, तो साइन और कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है 45 डिग्री, क्यों, साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, इसीलिए एंगल 45 है तो इसका वैल्यू जो था इसका वैल्यू भी वही आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नंबर में क्या निकलना है, टोटल चुंबकीय क्षेत्र बी निकलना है, तो बी कैसे निकलेगा जरा सोच के देखिए, बी निकाल लेंगे हम लोग कैसे निकाल लेंगे देखिए, बी भी इक्वल टू क्या होता है बी साइन थीटा होता है ना, बिल्कुल होता है, हमको बी निकालना है तो क्या करेंगे बी भी बटे साइन थीटा होगा ना, बिल्कुल होगा, तो बी भी कितना है 0.3 × 10⁻⁴ बाय साइन के डिग्री 45 डिग्री होगा ना, बिल्कुल होगा,
आगे देखिए 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 बाय साइन 45 कितना होता है 1/√2। रूट टू चल जाएगा ऊपर, तो लिख सकते हैं 0.3 इंटू रूट टू इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आंसर। देख लीजिए कोई दिक्कत है नहीं। हम बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा करके भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वैल्यू तो सेम है रे, बी भी और बी एच का वैल्यू तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन और कॉस में दोनों में 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ही होता है, तो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, यदि एच करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा एच और यहाँ हो जाएगा क्या कॉस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एच, यहाँ हो जाएगा क्या कॉस थीटा। ठीक है, बी एच का वैल्यू तो उतने है, यहाँ हो जाएगा कॉस 45, वैल्यू तो उतने होता है, वैल्यू उतने आएगा आंसर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी बनाइए बनेगा, सिर्फ समझिए न्यूमेरिकल को समझना है। पहला न्यूमेरिकल में बी एच दिया था, थीटा दिया था, बी भी निकालना है, बी निकालना है। ठीक है, तो बी भी मतलब वर्टिकल पार्ट कैसे निकलेगा, वर्टिकल पार्ट तो टेन थीटा बराबर वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल लंब बटे आधार होता है ना, बिल्कुल होता है। टेन 45 इक्वल टू वर्टिकल पार्ट निकालना है, हॉरिजॉन्टल पार्ट को लिख दिए, इसका वैल्यू 1 होता है, गुना कर दिए तो वैल्यू उतने होगा। ठीक, अब या तो बी एच बराबर बी कॉस थीटा या तो बी भी बराबर बी साइन थीटा करके आप बी का मान को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे, उसके बाद अभी 2 नहीं बनाए, 2 बनाएंगे। ठीक है, 5 या 6 को न्यूमेरिकल है, सबको बनाना है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 बनाएंगे, उसके बाद फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर आगे 2 नंबर। देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक √2 टेस्ला है तथा नमन कोण 45 डिग्री है। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान क्या होगा। दो नंबर क्या बोला है, क्षैतिज घटक दिया हुआ है, मतलब बी एच कितना है √2 टेस्ला और नमन कोण नति कोण कितना है 45 डिग्री। आपको बोल रहा है संपूर्ण तीव्रता, मतलब बी का वैल्यू क्या होगा, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, निकलने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बी एच का फॉर्मूला क्या होता है, बी कॉस थीटा, बी निकालना है तो बी को अलग कर दीजिए, बी एच बाय कॉस थीटा, बी एच कितना है √2 बाय कॉस के डिग्री 45, तो √2 बाय 1/√2, √2 चल जाएगा ऊपर, मतलब √2 इंटू √2 यानी 2 टेस्ला आंसर। ठीक है, यानी आपका टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकल गया √2 इंटू √2 मतलब 2 टेस्ला हो गया आंसर। देख लीजिए दो नंबर न्यूमेरिकल में क्या था, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक √2 टेस्ला है। ठीक, और नमन कोण नति कोण 45 डिग्री है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलना था, तो बी एच बी और एंगल से संबंधित फॉर्मूला क्या होगा, बी एच बराबर बी कॉस थीटा। ठीक, बी बराबर बी एच बटे कॉस थीटा, √2 बटे कॉस 45, √2 बाय 1/√2 कॉस 45 का वैल्यू √2 मिल जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा टेस्ला आंसर। अब चलिए न्यूमेरिकल नंबर कितना में, 3 में, दो नंबर तक बन गया, अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3।
न्यूमेरिकल नंबर तीन देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नमन कोण का वैल्यू कितना होगा। क्या बोला है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का वैल्यू बराबर है, उस स्थान पर नमन कोण का मान कितना होगा। यानी दे दिया है बी एच बराबर भी, ठीक है, बी एच बराबर बी भी ये दे दिया है। आपको पूछ रहा है कि एंगल कितना है, नमन कोण नति कोण का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बी एच का वैल्यू बी कॉस थीटा, बी भी का वैल्यू बी साइन थीटा, होता है ना, बिल्कुल होता है, बी बी कैंसिल होगा ना, इस कॉस को भेज दीजिए उधर, तो इधर क्या बचेगा, वन इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब क्या रे टेन थीटा, वन को लिख सकते हैं टेन फोर्टी फाइव इक्वल टू टेन थीटा, टेन टेन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, आंसर हो गया। चलिए आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। और सिंपल बात है, जब कॉस थीटा बराबर साइन थीटा है, यानी यहां पर क्या है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये कब होता है, कॉस और साइन का वैल्यू कितना एंगल पे बराबर होता है, बोलिए 45 पे बराबर होता है, ठीक है। कॉस 45 वन बाय रूट टू, साइन 45 वन बाय रूट टू, समझ में आया, तो वैल्यू कितना होगा 45 होगा। ये सॉल्व करके निकालें और ऐसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी बी एच और बी भी दोनों का वैल्यू क्या था, बराबर था किसी स्थान पर, तो वहां पर नमन कोण थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्यों, इसका वैल्यू बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू बी साइन थीटा, बी बी कैंसिल, कॉस बराबर साइन, कॉस बराबर साइन होता है कितना एंगल पर, 45 डिग्री पर, ठीक है, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू होता है। यहां भी देख लीजिए, कॉस को भेज दिए उधर, तो वन बचा, साइन बटे कॉस 10 होता है, वन मतलब 10 45, 10 10 कैंसिल, कितना होगा एंगल 45 डिग्री। तीसरा सवाल बन के तैयार है, अब चलिए चौथा सवाल में, ठीक है, चौथा सवाल में चलेंगे। आगे देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला तथा ऊर्ध्वाधर घटक 3√3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला है, नति कोण ज्ञात कीजिए। चलिए चार नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया है, ऊर्ध्वाधर घटक दिया है, नति कोण पूछ रहा है, नति कोण का वैल्यू निकाल रहा है। यानी क्षैतिज घटक बी एच कितना है, 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, और ऊर्ध्वाधर घटक बी भी कितना है, 3√3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला है, नति कोण का मान पूछ रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा पूछ रहा है, थीटा वैल्यू कितना ये पूछ रहा है, तो निकल जाएगा आंसर एकदम आराम से निकलेगा, थीटा का मान पूछा है। सोचिए थीटा बी एच और बी भी से संबंधित कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, लगा सकते हैं हम लोग क्या, टेन थीटा इक्वल क्या रे बी भी बटे बी एच, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी भी बटे बी एच, एकदम आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कैसे बनाएंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी भी कितना है, 3√3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, बी एच कितना है, 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं। इसको पॉइंट को उठा देंगे तो 10 आएगा यहाँ पर, बिल्कुल आएगा,
ये तीन तीन कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, आगे चलिए। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या बचेगा यहाँ पर? रूट थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव इंटू, ये टेन टू द पावर माइनस फोर ऊपर जाएगा, तो टेन टू द पावर फोर और टेन टेन टू द पावर प्लस फाइव पर जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचा? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री, तो टेन कितना का मान रूट थ्री होता है? 60 डिग्री, यानी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टेन के डिग्री 60 डिग्री, तो टेन टेन कैंसिल, मतलब कितना होगा थीटा? 60 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, हो गया 60 डिग्री आंसर। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था, बी एच और बी भी दिया था आपको, नमन कोण नति कोण का वैल्यू पूछ रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू बी बी बटे बी एच, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बी बटे बी एच होगा ना, बिल्कुल होगा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, दोनों का वैल्यू को पुट कर दिए, पॉइंट को उठा दिए, 10 आ गया, 3 3 कट गया, रूट 3 बचा, 10 टू द पावर माइनस 5 बचा, 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा और 10 मिल जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 5 कट जाएगा दोनों, तो रूट 3 बचेगा। रूट 3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, 10 10 कैंसिल, मतलब कितना होगा एंगल? 60 डिग्री। चार नंबर सवाल बन के तैयार है, अब चलेंगे हम लोग सवाल नंबर कितना में? 5 में, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 5 बनेगा। देखिए सवाल नंबर 5, देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस तथा ऊ ध्रुवोत्तर घटक 0.4 गॉस है, वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता कितनी है? क्या पूछ रहा है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है, गॉस चुंबक के क्षेत्र का सीजीएस मात्रा है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक 0.4 गॉस है, तो संपूर्ण चुंबक के क्षेत्र का वैल्यू वहां पर कितना होगा? यानी बी एच कितना है? 0.3 गॉस। बी भी कितना है? 0.4 गॉस। ठीक, आपको पूछ रहा है कि उस स्थान पर बी का वैल्यू कितना है? तो निकलेगा, आराम से निकलेगा। देखिए, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े डायरेक्ट, बी बराबर रूट अंदर बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, पढ़े ना? बिल्कुल पढ़े, रूट अंदर बी एच मतलब 0.3 का स्क्वायर, बी भी मतलब 0.4 का स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सही। आगे देखिए कितना होगा, 0.3 इंटू 0.3 मतलब 0.09 प्लस 0.4 इंटू 0.4 मतलब 0.16 होगा ना, बिल्कुल होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर 9/16 कितना हो जाएगा? 25, 0.25। इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे 0.5 गॉस आंसर। ठीक है, चलिए बी का मान निकल गया, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल गया। 5 नंबर सवाल हम लोग का बन के तैयार है, एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, लास्ट सवाल 6 नंबर होगा, लास्ट सवाल 6 नंबर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर एवं विषुवत रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक का मान कितना होता है निकालिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का मान कितना होता है निकालिए। तो आपको दो चीज जानना है, क्या जानना है? पहला, दूसरा, ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा
है, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, या भूमध्य रेखा पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है, पहले क्या निकालना है? बी एच। तो बी एच कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा होता है, मतलब बी कॉस 90, यानी बी इंटू 0 मतलब 0, यानी ध्रुवों पर क्षैतिज घटक का मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए ऊ ध्रुवाभर घटक बी भी इक्वल टू बी साइन थीटा, मतलब बी साइन 90 मतलब बी इंटू 1 यानी बी। कहने का मतलब है कि ध्रुवों पर ऊ ध्रुवाभर घटक का मान संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है, ठीक है, और क्षैतिज घटक का मान 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, इधर विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर नति कोण नमन कोण का मान 0 होता है, तो क्षैतिज घटक कितना होगा? बी एच बराबर बी कॉस 0 हो जाएगा, तो बी इंटू 1 मतलब बी, यानी विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा पर क्षैतिज घटक का मान संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक, और बी भी बराबर क्या हो जाएगा? बी साइन 0 मतलब बी इंटू 0 यानी 0, और ऊ ध्रुवाभर घटक का मान क्या होता है? 0 होता है। कहाँ? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि वहां पर नमन कोण नति कोण का मान 0 होता है और साइन 0 0 होता है, परंतु कॉस 0 1 होता है, इसीलिए बी एच का मान संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगी। यही बात होता है उल्टा, कहाँ पर? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर कितना होता है नति कोण नमन कोण का मान? 90, इसीलिए बी एच का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, इसीलिए ऊ ध्रुवाभर घटक बी भी का मान संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी के बराबर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये अधिकतर, ये इंपॉर्टेंट वीवीआई न्यूमेरिकल है, इसको स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिए। चलिए, सब बन गया, यानी आपको क्या याद रखना है कि ध्रुवों पर नमन को नति कोण का मान 90 होता है, क्षैतिज घटक का मान 0 और ऊ ध्रुवाधर घटक बी भी का मान संपूर्ण चुंबक के क्षेत्र के बराबर होगा, लेकिन विषुवत रेखा पर नमन को नति कोण का मान 0 होता है, इसीलिए बी एच का मान संपूर्ण चुंबक क्षेत्र के बराबर होगा परंतु बी भी का मान 0 होगा। ठीक, चलिए, तो हम लोग का पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित 6 न्यूमेरिकल बन गया। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ मजेदार न्यूमेरिकल को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।